नमस्कार। पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक रविवार को होने वाली टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करवाते हैं, तो इसी क्रम में आज हम कंप्यूटर के 1052 सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंप्यूटर में जो भी सवाल आते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है, और आज एग्जाम का जो स्तर है उसी स्तर के आधार पे ये पेपर बनाया गया जो अधीनस्थ बोर्ड आजकल पेपर लेता है। देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यहां पर है, पहला क्वेश्चन था द रेजोल्यूशन ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन, कि प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती है उसे किस में मापा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन का मीन क्या होता है। देखिए, प्रिंटर की जब बात करते हैं तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये एक आउटपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस जिसमें आउटपुट प्रदान करती है वो होता है हार्ड कॉपी। मतलब प्रिंटेड रूप में कोई भी आउटपुट प्रदान करने वाली डिवाइस को हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पूछा गया रेजोल्यूशन का मीन क्या होता है। देखिए, जब भी आपके कंप्यूटर में किसी भी डिस्प्ले डिवाइस की बात की जाए, तो डिस्प्ले डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे छोटा बिंदु जो माना जाता है उसे पिक्सल कहते हैं। पिक्सल भी कह सकते हैं या फिर इसे हम डॉट भी कहते हैं। तो कोई भी इमेज जो बनी होती है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और ये जो बिंदु होते हैं वो आपके पिक्सल्स या फिर डॉट कहलाते हैं। तो इन पिक्सल की जो डेंसिटी होती है, इन पिक्सल की जो डेंसिटी या घनिष्ठता घनिष्ठता होती है, उस वाले पार्ट को हम जिस नाम से जानते हैं जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं, और रेजोल्यूशन को हम डीपीआई, डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, या फिर पीपीआई, पिक्सल पर इंच में भी मापते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया आपका यहां पर कि प्रिंटर की रेजोल्यूशन को किस में मापा जाता है, या प्रिंटर बोलिए किसी डिस्प्ले डिवाइस की बात करें उसकी रेजोल्यूशन को जिस वाट में मापा जाता है वो डॉट्स पर इंच होता है। अब इसमें ऑप्शन नंबर वन जो दिया हुआ है इसमें मेगाबिट्स, तो ये मेगाबिट्स कुछ यहाँ पे होता नहीं है इस संदर्भ में। जब डिस्प्ले की बात करें तो ये कंप्यूटर की संदर्भ में जब स्टोरेज की बात की जाए तो स्टोरेज में एमबी एक इकाई होती है जिसे मेगा बाइट कहा जाता है। ठीक, अगला जो पार्ट आता है हर्ज जो पार्ट आता है, ये किसी पार्ट में क्लॉक स्पीड होती है। क्लॉक स्पीड होती है सिस्टम क्लॉक की, तो प्रति सेकंड एक चक्कर जो होता है उसे हम हर्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंचेस डायगोनल, ठीक है, तिरछा, ये जो पार्ट आता है ये डिस्प्ले साइज होती है। किसी भी डिस्प्ले डिवाइस के डिस्प्ले आकार को जिसमें मापा जाता है वो डायगोनली मेजर किया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपके इस टेस्ट सीरीज में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर आपके दिए गए हैं कि कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पिछले पटवार प्री में भी पूछा गया था। तो पहला जो पार्ट दिया गया है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग किसी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन का मतलब जो होता है हिंदी में प्रस्तुतिकरण से होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग हम किसी भी तरह के स्लाइड शो को चलाए। जैसे अभी मैं क्वेश्चन की ये सीरीज सॉल्व करवा रहा हूँ, ये भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में ही बनी हुई होती है। अब इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एमएस विंडोज, ठीक है, एमएस विंडोज एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। अगला जो पार्ट आपका दिया हुआ है एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने और स्लाइड शो को चलाने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसे एमएस पावर पॉइंट कहते हैं। अगला जो पार्ट आपका दिया गया एमएस एक्सेल, ये एक प्रकार का
एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसका प्रयोग किसी भी तरह के रिकॉर्ड को बनाने और संबंधित कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एमएस वर्ड की जब बात की जाए तो एमएस वर्ड को हम एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, जो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को क्रिएट और एडिट करने के लिए किया जाता है। तो ये बेसिकली ये तीन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज के पार्ट होते हैं, जिसका नाम होता है एमएस ऑफिस। तो यहाँ पे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर था एमएस विंडोज। तो एमएस पावर पॉइंट एक्सेल और वर्ड में से जो एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है वो एमएस पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके पटवार प्री में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, एमआईसीआर के बारे में पूछा गया है कि एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है। तो पहली चीज तो समझिए, जो एमआईसीआर हम काम में लेते हैं ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। ये इनपुट डिवाइस का तात्पर्य ऐसे हार्डवेयर से होता है जिसका प्रयोग किसी सिस्टम में डेटा और इंस्ट्रक्शन को रिसीव करने के लिए किया जाता है। एमआईसीआर जो हम काम में लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम डायरेक्ट डायरेक्टेड डेटा एंट्री इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट डेटा एंट्री इनपुट डिवाइस क्यों कहा गया? क्योंकि इन यह एक प्रकार का स्कैनर ही होता है जो किसी डेटा को रीड करके अवेलेबल सॉफ्टवेयर के आधार पर किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए काम में लिया गया है। जिन डिवाइस में डेटा को इनपुट और टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब यहाँ पे टाइप नहीं करना, लिखना नहीं है, उन सभी डिवाइस को हम जिस नाम से जानते हैं डायरेक्ट डेटा एंट्री इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पूछा गया एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एमआईसीआर की पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो पहले ये भी समझ लीजिए, बैंक ये आता कहाँ है, ये जिस क्षेत्र में काम में लिया जाता है वो बैंकिंग इंडस्ट्री, जो बैंक होते हैं उस बैंक में काम में लिया जाता है। और इसका प्रयोग आपके बैंक में चेक प्रोसेसिंग, जो चेक होता है उसे चेक प्रोसेसिंग और उन चेक के वैलिडेशन के लिए किया जाता है। वैलिडेशन का मतलब उन चेक की वैधता को जांचने के लिए किया जाता है। अगर आप लोगों ने कभी चेक देखा हो तो उसपे सबसे नीचे एक एमआईसीआर कोड होता है, जो एक स्पेशली फॉन्ट में डिजाइन किया हुआ होता है। उसे प्रोसेस करने के लिए और उसे रीड आउट करने के लिए एक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है एमआईसीआर। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नेटिक इंक को पढ़ता है, सही है, और रिकॉग्नाइजेशन इसका आंसर ही है। कुछ बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर रीडर भी दिया हुआ है, दोनों ही सही होते हैं, दोनों ऑप्शन कभी भी साथ में नहीं आते हैं। तो पहला जो ऑप्शन आएगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआईसीआर। ये अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उस क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन है टू चेंज सेलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर्स, ठीक है, यू हैव टू क्लिक द चेंज कीज एंड देन क्लिक। मतलब यहाँ पे अगर बात करें, आपको जो भी सेलेक्टेड है टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है इस तरह से, आपका एक पार्ट आपका जो दिया हुआ है, मान लीजिए इस वाले पार्ट में जैसे आपका एक पार्ट दिया हुआ है, पाठशाला लिखा हुआ है, और इस पाठशाला को आप एक पार्ट में चेंज करना चाहते हैं कैपिटल लेटर्स में, तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे पूछा गया कि किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को ऑल कैपिटल लेटर्स में बदलना है, तो आप कौन से चेंज केस बटन पे क्लिक करेंगे? तो एमएस वर्ड के अंतर्गत आप देखेंगे चेंज केस में टोटल कितने विकल्प होते हैं, पांच विकल्प होता है, टोटल पांच विकल्प अवेलेबल है। कौन कौन से? पहला जो केस होता है जिसे लोअर कहते हैं, सेकंड जो पार्ट दिया गया अपर आता है, तीसरा जो पार्ट आता है जिसे सेंटेंस कहते हैं, अगला जो पार्ट आपका यहाँ पर केस आता है जिसे टॉगल कहते हैं, और नेक्स्ट जो केस आपका काम में लिया जाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड के नाम से आता है। इसी लेटर केस को हम जिस नाम से जानते हैं उसे टाइटल केस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट में ये टोटल पांच प्रकार के केस अवेलेबल होते हैं। तो इस वाले पार्ट में अगर हम जब देखेंगे तो एमएस वर्ड के अंतर्गत ये टोटल पांच तरह के लेटर केस आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इन पांच केस के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो
तो पहला जो केस अभी मैंने आपको बताया कि सर पहला केस कौन सा होता है, लोअर केस होता है। तो लोअर केस में जैसे कोई भी सेंटेंस जैसे आपका लिखा हुआ है तो इस तरह से हेलो वर्ल्ड आप लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस के सभी करेक्टर्स को हम छोटे लेटर में लिखना चाहते हैं तो हम लोअर केस कहते हैं। जब हम किसी अपर केस की बात करते हैं तो अपर में यही सेंटेंस जो लिखा जाता है, जैसे मान लो इस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर किसी भी आपके सेंटेंस के सभी लेटर्स को बड़े लेटर में लिखना हो तो हम जिस केस का प्रयोग करेंगे अपर केस। अगला जो भाग आपका यहाँ पर आता है सेंटेंस, ये एमएस वर्ड में किसी भी सेंटेंस का डिफॉल्ट केस होता है। डिफॉल्ट का मीन कि जो प्री डिफाइन होता है, जिसे आपको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप ऑटोमेटिकली उस केस के आधार पर कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे यही सेंटेंस केस में लिखेंगे तो ये जो लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। मेन सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो बड़े में होगा, बाकी सभी आपके छोटे में होते हैं। अगला जो लेटर केस यहाँ पर आपका काम में लिया जाता है, उस वाले पार्ट को कैपिटलाइज, कैपिटलाइज ईच वर्ड कह सकते हैं, या फिर इसी वाले केस को हम जिस नाम से जानते हैं उसे टाइटल केस कहते हैं। इस टाइटल केस में सेम अगर सेंटेंस को लिखेंगे तो वो आपका इस तरह से लिखेगा। मेरे शब्द के प्रत्येक लेटर को, शब्द के प्रत्येक फर्स्ट लेटर को बड़े में लिखना है, बाकी सारे लेटर होते हैं वो छोटे में होते हैं। अगला जो केस आपका यहाँ पर काम में लिया जाता है, उस वाले पार्ट को टॉगल केस कहते हैं। टॉगल केस के अंतर्गत जो पहला जो भाग आएगा वो सभी पार्ट के अंतर्गत छोटे में आएगा, बाकी जो भाग आएंगे वो सब बड़े। मतलब प्रत्येक शब्द के पहले लेटर को छोटे में, बाकी सब बड़े में। यानी कैपिटलाइज ईच केस, और ये जो दोनों केस होते हैं एक दूसरे के रिवर्स या विपरीत होते हैं। पहली चीज तो ये समझिए, चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से लेटर केस चेंज केस बटन में अवेलेबल है। देखिए लॉक अपर ये तो है ही नहीं अवेलेबल, कैप्स लॉक एक प्रकार की होती है जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होती है, हम उसके माध्यम से भी या किसी लेटर को छोटे या बड़े आकार में लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल या फिर लोअर केस में लिख सकते हैं। लेकिन ये चेंज केस की बटन की बात कर रहा है तो हम कैप्स लॉक यूज नहीं करेंगे। अपर ऑल फीचर अवेलेबल नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो अपर केस के नाम से होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 140 पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यहाँ पे सेंटर अलाइन करना होता है, तो एमएस वर्ड के अंतर्गत किसी भी पैराग्राफ या सेलेक्टेड टेक्स्ट को अगर हम सेंटर अलाइन करना चाहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ ये समझिए कि अलाइनमेंट का मीन क्या होता है। देखिए अलाइनमेंट का मीन होता है किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट को मार्जिन के किस ओर लिखा जाता है। तो जब भी अलाइनमेंट की बात करेंगे तो टोटल चार अलाइनमेंट होते हैं, एक तो लेफ्ट होता है, एक अलाइनमेंट राइट होता है, एक अलाइनमेंट सेंटर होता है, और एक अलाइनमेंट आपका जस्टिफाई होता है। तो अलाइनमेंट टोटल चार अलाइनमेंट आपके अवेलेबल होते हैं। इनकी कमांड आपसे पूछी जाती है तो लेफ्ट की आपकी कमांड होती है Ctrl+L, राइट की जो कमांड होती है Ctrl+R, सेंटर की अलाइनमेंट की कमांड होती है Ctrl+E, और जस्टिफाई की Ctrl+J। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में जब किसी डॉक्यूमेंट को आप लोग देखेंगे तो एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है। इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से स्पेस छोड़ा हुआ होता है। तो जो ये स्पेस जो छोड़ा जाता है, इस स्पेस को तो हम जिस नाम से जानते हैं उसे मार्जिन कहते हैं। एक डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़े जाने वाले स्थान को हम जिस नाम से जानते हैं उसे मार्जिन कहते हैं। अब इस मार्जिन से किसी भी पैराग्राफ या किसी टेक्स्ट को किस ओर लिखा जाता है, तो ये जो मार्जिन आपके काम में ली जाती है, ये वाली मार्जिन आपकी लेफ्ट मार्जिन होती है। यहां पर ये जो मार्जिन आपकी दी गई है जिसे राइट मार्जिन कहते हैं। यहां पर अगली जो मार्जिन ऊपर वाले पार्ट में दी गई है ये आपकी टॉप मार्जिन होती है, और सबसे नीचे वाला जो भाग आपका दिया हुआ होता है उस वाले पार्ट को हम बॉटम मार्जिन के नाम से जानते हैं।
अब यहां अलाइनमेंट कैसे लिखना है, तो इस वाली मार्जिन के साथ, ये लेफ्ट मार्जिन है, इस मार्जिन के साथ में अगर कोई भी टेक्स्ट ऐसा लिखा जाए तो ये अलाइनमेंट जो माना जाता है इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। अगर किसी भी पैराग्राफ की बात करें और उस पैराग्राफ को इस तरह से लिखा जाए तो उसका मार्जिन अलाइनमेंट जो होता है राइट होता है। अगर किसी भी पैराग्राफ की कहानी में आपका जो भी टेक्स्ट लिखा जाए इस तरह से, ये सेंटर होता है। और अगर किसी मार्जिन के दोनों और किसी पैराग्राफ को अगर लिखा जाए तो उस वाले पार्ट को हम जस्टिफाई कहते हैं। तो हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि एमएस वर्ड के अंतर्गत किसी पैराग्राफ या किसी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी कमांड आती है। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कंट्रोल सी, कंट्रोल सी आपके कॉपी के काम आती है। कंट्रोल एफ जो कमांड काम में आती है वो फाइंड के काम आती है। कंट्रोल एच की बात करें तो ये आपके रिप्लेस के लिए काम में ली जाती है। कंट्रोल ई किसी भी पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए की जाती है। ये क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पिछली बार आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विंडोज द शॉर्टकट शिफ्ट डिलीट इज यूज फॉर। ठीक है, क्वेश्चन है कि एमएस विंडोज के अंतर्गत, ठीक है, एमएस विंडोज, पहले विंडोज की बात करो। विंडोज एक प्रकार का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब भी एमएस विंडोज की बात करेंगे तो एमएस विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया गया है। अब यहां पूछा गया कमांड शिफ्ट डिलीट, कमांड पूछी गई है शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए होता है। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस डिलीट का कमांड किस लिए काम में लिया गया। पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग आइटम इन द रिसाइकिल बिन। तो पहला इस वाले पार्ट में कहा गया है कि रिसाइकिल बिन, तो रिसाइकिल बिन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि रिसाइकिल बिन का मीन क्या होता है। रिसाइकिल बिन किसी भी एमएस विंडोज का एक डिफॉल्ट आइकन होता है और इस आइकन का प्रयोग हम जो करते हैं टू स्टोर डिलीटेड फाइल्स। रिसाइकिल बिन जो हम काम में लेते हैं, रिसाइकिल बिन का प्रयोग एमएस विंडोज के अंतर्गत किसी प्रयोगता द्वारा डिलीट की गई फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब फाइल डिलीट हो जाती है तो यहाँ पर रिसाइकल बिन में चली जाती है और वहां से यूजर अपनी आवश्यकता या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें वापस से रिस्टोर कर सकता है। जब किसी फाइल को रिस्टोर किया जाता है तो फाइल वहीं से रिस्टोर होती है जहां पर आपने डिलीट किया था। ठीक है, अब रिसाइकल बिन को स्पेस कहाँ मिलता है। रिसाइकल बिन आपके हार्ड डिस्क में से स्पेस यूज करता है और हार्ड डिस्क में अवेलेबल टोटल स्पेस के कितने प्रतिशत भाग को काम ले सकता है, 10%। तो पहला जो क्वेश्चन आपका आंसर जो हो सकता है इसमें देखो, ये डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम रिसाइकल बिन, ये हो सकता है क्या एग्जैक्टली बोल सकते हैं, पहले चेक कर लेते हैं आगे। कॉपी द सेलेक्टेड आइटम्स, सेलेक्टेड आइटम्स को कॉपी करने, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए एक पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लिपबोर्ड कहते हैं, ये तो नहीं हो सकता। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ रीनेम द सेलेक्टेड आइटम, ये किसी भी सेलेक्टेड आइटम को रीनेम करना, रीनेम करने के लिए जिसकी का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी की होती है, F2 की, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। क्रिएट द ए शॉर्टकट फॉर सेलेक्टेड आइटम, शॉर्टकट क्रिएट करना, तो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए भी इस की का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट द आइटम इन द रिसाइकल बिन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हाउ विल एमएस वर्ड रेस्पॉन्ड इन ए केस ए वर्ड इज इमिडिएटली रिपीटेड। यदि एक शब्द तुरंत पुनरावृत्ति करता है तो एमएस वर्ड में किस प्रकार की अनुक्रिया की, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर बात करें कंप्यूटर में जब हम वर्ड में काम करते हैं तो दो तरह की लाइनें हमें दिखाई देती हैं। या तो हमें जो लाइन दिखाई देती है जिसे रेड कलर कहते हैं,
या जो लाइन आपकी दिखाई देती है जिसे नाम दिया जाता है कौन से, ग्रीन कलर की लाइन दी गई है। नॉर्मली जब हम किसी भी पैराग्राफ में जब कोई टेक्स्ट ऐसा लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अंडर अंडरस्टैंड, अब अगर आप देखेंगे तो सर ये तो स्पेलिंग गलत है। तो जैसे ही ये स्पेलिंग जो गलत होती है तो एमएस वर्ड के अंदर एक रेड कलर की वेव लाइन इस तरह से आ जाती है। तो ये रेड कलर की वेव लाइन जो रिप्रेजेंट जो करती है बेसिकली आपके स्पेलिंग स्पेलिंग एरर्स जो होती है उसे रिप्रेजेंट करती है, और उस वाले पार्ट के लिए हम F7 की यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह की अगर आपके ग्रामेटिकल एरर हो तो इन्हें जिस कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रीन कलर। अब क्वेश्चन जो पूछा गया यहां पर वो समझिए कि यहां पर एक ग्रीन वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड्स, तो ग्रीन कलर की जब बात की जा रही है वो किसी ग्रामेटिकल एरर, तो ये नहीं हो सकता। देखिए यहां पर एक रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड्स, नॉर्मली जब आप किसी पार्ट में अगर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मान लो कि आपने ऐसा लिख दिया वर्क एंड वापस वर्क लिखते हैं, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि इस वाले पार्ट के नीचे एक रेड कलर की लाइन आपको दिखाई देगी। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसे हम रेड वेवी कलर के लाइन में यूज करते हैं इसका आंसर। ठीक है, ब्लू कलर से बेसिकली ज्यादातर आपके किसके रिप्रेजेंट किए जाते हैं, हाइपरलिंक्स को। हाइपरलिंक या किसी यूआरएल को नॉर्मली ब्लू कलर की वेव लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके आपके टेक्स्ट से संबंधित है। एमएस एक्सेल की बात हो रही है यहाँ, तो एमएस एक्सेल में पूछेगा बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है हॉरिजॉन्टली अलाइन इनसाइड ए टेक लेफ्ट इन एक्सेल। अलाइनमेंट की बात हो रही है कि किसी भी टेक्स्ट के अलाइनमेंट की कहानी क्या होगी। ये अलाइनमेंट की कहानी जैसे आपका पूछा गया, पहला एक तो वर्ड आपका सेल, एक शब्द काम में लिया गया है सेल, तो सेल का मतलब यहां पर होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है, सेल। जैसे ये एक रो है और ये कॉलम है, तो रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला जो पार्ट रिप्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट आपके किसके नाम से जाना जाता है, सेल। आप पूछा गया कि इस वाले पार्ट में टेक्स्ट की बात करें, अब इसमें अलाइनमेंट कहा गया हॉरिजॉन्टल। देखो अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। नॉर्मली इस तरह से जो अलाइनमेंट होता है, इस तरह से अलाइनमेंट जो होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट, और इस तरह से जो अलाइनमेंट होता है उस वाले पार्ट को हम जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अलाइनमेंट कहते हैं। अब नॉर्मली अगर जब किसी सेल में अगर आप देखोगे तो सेल की कहानी में कभी आपने देखा होगा जब किसी नंबर को लिखा जाता है तो जैसे नंबर आपके 9462 ऐसा दिखाई देता है, जब किसी टेक्स्ट को आप लिखते हैं तो आप इस तरह से कहते हैं। तो नंबर की जब कहानी आती है तो नंबर को तो हम राइट अलाइन करते हैं, और जब किसी टेक्स्ट की बात की जाए तो उसे हम क्या करते हैं, लेफ्ट अलाइन। तो आंसर जो होगा इसका क्या होगा, लेफ्ट अलाइंड आपका होता है। आ गया समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बैकअप क्या है, बैकअप पे वर्ड आपका यूज किया गया, बैकअप क्या है। नॉर्मली हम सुनते हैं कि बैकअप बना लिया क्या, बैकअप कर लिया क्या, वो समझ। लेकिन हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि एक स्टोरेज मीडिया आप ले लेते हैं, स्टोरेज मीडिया का यूज किया, और स्टोरेज मीज का यूज आप किसी भी स्टोरेज के लिए करते हैं जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण आपने कर लिया इस तरह से,
अब इस स्टोरेज मीडिया के अंतर्गत आपकी क्या होती है, फाइल्स होती है या किसी भी तरह की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब यहाँ जो फाइल्स और इंफॉर्मेशन होती है वो किसी डिवाइस के अंदर है, पेन ड्राइव में है, मेमोरी कार्ड में है, सीडी में है, डीवीडी में है, किसी में भी हो सकती है। लेकिन किसी भी डिवाइस के फेल होने पर इन्हें प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होती है उसे वापस रिकवर करना। ठीक है, आजकल देखा होगा फोन है, फोन आपका कभी भी खराब हो सकता है, पानी में गिर गया, खराब हो गया, अब डेटा को फिर से चाहिए तो फिर क्या किया जाए। तो आजकल क्या होता है कि इन स्टोरेज स्टोरेज मीडिया में जो भी फाइल होती है तो यहाँ पे आपका कॉपी एट अनदर लोकेशन, इन्हें सभी को आप अन्य स्थान पर क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। नॉर्मली आजकल जैसे गूगल ड्राइव का यूज कर सकते हैं, जी आपके फोन में कॉन्टेक्ट है तो जी मेल, वाई मेल, हॉटमेल, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में पूछा गया है कि बैकअप का मीन क्या है। तो बैकअप को वैसे डिफाइन करना चाहें तो किसी भी स्टोरेज मीडिया में उपलब्ध जो भी फाइल्स है उनकी प्रति या कॉपी अन्य किसी स्टोरेज मीडिया या स्टोरेज डिवाइस पर रखना बैकअप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैक मतलब वापस लाना, बैक वापस आना। तो पहला ऑप्शन है कि एडिंग मोर कंपोनेंट्स टू योर नेट, नेटवर्क का मतलब डिवाइसेस को आपस में जोड़ना होता है, क्या किसी डिवाइस में और अन्य कंपोनेंट्स को जोड़ना बैकअप होगा? नहीं। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स, वास्तविक स्थान से, ठीक है, एक डिफरेंट लोकेशन पे इन्हें कॉपी कर लेना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिल्टरिंग ऑल डेटा फ्रॉम द न्यू डेटा, फिल्टर का मतलब जो भी वांछित डेटा उसे प्राप्त करना, ये भी आपका नहीं हो सकता। एक्सेसिंग डेटा ऑन टैप, ये भी नहीं हो सकता। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वास्तविक फाइलों को किसी अन्य स्थान पर कॉपी करके रखने की प्रक्रिया को हम बैकअप कहते हैं। इन केस कोई भी डिवाइस आपकी फेल हो जाती है और उन्हें वापस वहां से कॉपी किया जाता है, उसे रिकवरी के नाम से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल में जो अगला क्वेश्चन ने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अगला जो पार्ट दिया हुआ है, विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। नहीं, सबसे पहले यहां पर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का मीन क्या होता है? सॉफ्टवेयर का मीन जो होता है प्रोग्रामों का एक व्यवस्थित समूह, प्रोग्रामों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक कंप्यूटर में कोई भी कार्य को करने के लिए हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे मैं अभी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहा हूं। अब यहाँ कानूनी अधिकार की किसकी कानूनी अधिकार कब देने की जरूरत होती है? नहीं, सॉफ्टवेयर की मेनली जो कहानी है वो तीन तरह से सॉफ्टवेयर, यहाँ समझो, एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम होता है प्रोपराइटर, एक सॉफ्टवेयर आपका काम में लिया जाता है शेयरवेयर, एक सॉफ्टवेयर काम में आता है जिसे नाम दिया गया है फ्रीवेयर। इन्हों में अंतर समझो पहले। प्रोपराइटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के अधीन होते हैं, और इन्हें अगर बात करें, कोई भी यूजर अगर उपयोग में लेना चाहता है तो पहले उसे इन्हें परचेज करने की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो एमएस ऑफिस एक प्रकार का प्रोपराइटर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसे माइक्रोसॉफ्ट के अधीन है, वो लाइसेंस देता है उसका। अगला है शेयरवेयर, शेयरवेयर का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें एक निश्चित समय तक उपयोग में लेकर देखा जा सकता है, जो ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर आते हैं वो चाहिए, होते एक प्रकार के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन उनका ट्रायल वर्जन या डेमो के रूप में आपको एक निश्चित समय के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। अगला जो पार्ट आपका दिया हुआ है जिसका नाम कौन सा है, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का तात्पर्य उन सॉफ्टवेयर से होता है जो आपको फ्री में मिलता है, जिन्हें आप फ्री में काम में ले सकते हैं, जो मुफ्त में मिलते हैं वो सभी फ्रीवेयर होते हैं। अब यहां देखो इस वाले पार्ट में क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या है? अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को बिना अनुमति के प्रयोग में लिया जाए, या वे सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करके उसमें उपयोग आप कर रहे हैं
जिसकी जानकारी डेवलपर को नहीं है तो उसे सॉफ्टवेयर पायरेसी के नाम से जाना जाता है। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है सॉफ्टवेयर लाइसेंस, तो किसी भी प्रयोक्ता को सॉफ्टवेयर को प्रयोग लेने के लिए एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर लॉग भी नहीं होगा, मेनली सॉफ्टवेयर लाइसेंस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो ये आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। नई स्लाइड, स्लाइड नई स्लाइड का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट की बात कर रहा है। पहले तो यहां पर जो कमांड आपको आती है उन कमांड की हम हटा देते हैं, कंट्रोल्स एस सेव करने के काम, कंट्रोल एन की बात करें। आप देखो कंफ्यूजन होता है सर, कंट्रोल एन करें या कंट्रोल प्लस एम करें। तो ये जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, तो हमें याद रखना है। अगर कभी भी न्यू प्रेजेंटेशन की बात की जाए, स्लाइड का मतलब ये एमएस पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, न्यू प्रेजेंटेशन की बात करें तो कंट्रोल प्लस एन, और अगर आपकी न्यू स्लाइड की बात की जाए तो इसका आंसर कंट्रोल प्लस एम होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए नई प्रेजेंटेशन की बात करें तो कंट्रोल प्लस एन, और नई स्लाइड की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस एम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर जो होगा कंट्रोल प्लस एम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डेटा स्टोर ऑन ए टेप, टेप की जब बात होती है तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आप जो लोगों ने देखा होगा पहले हमारे कैसेट आया करती थी उसे हम मैग्नेटिक टेप ही कहते हैं। स्टोर डेटा को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो पहले यहाँ पे इस वाले में रैंडमली ऑप्टिकली, देखो ऑप्टिकली कुछ नहीं होता एक्सेस, ठीक है, मैनुअली आपका क्या मैनुअली एक्सेस नहीं है। जब भी किसी भी प्राप्त करने की बात करें या एक्सेस की बात की जाए तो एक्सेस की कहानी आपकी दो ही तरह की होती है, या तो एक्सेस आपका होता है सिक्वेंशियल, या फिर जो एक्सेस होगा उसे हम कहते हैं डायरेक्ट, या कौन सा एक्सेस कहते हैं रैंडम, दो ही एक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं समझो, मान लीजिए कोई भी एक फाइल है और उस फाइल के अंदर डेटा इस तरह से अवेलेबल, ए बी सी डी, एक और दूसरी फाइल है और उस दूसरी फाइल में डेटा अवेलेबल ए बी सी और डी। अब देखिए समझिए, इस वाले पार्ट में एक्सेस कम, अगर ए से डी पे जाना है तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह से कोई एक्सेस किया तो वो तो कौन सा कहलाएगा, सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मीन होता है क्रम अनुसार, अगर किसी भी डेटा में क्रम के आधार पर एक्सेस किया गया तो वो सिक्वेंशियल होगा। ए से अगर बात करें डर डी, डी से बी, ऐसा आ सकते हैं। इस वाले पार्ट को हम डायरेक्ट या जिस एक्स के नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं, रैंडम। तो जो टेप आपकी काम में ली जाती है वो टेप आपके जिस मीडियम पे आधारित होती है उसे सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम कहते हैं, जबकि अगर आप जैसे जो भी डिवाइसेस आप काम में लेते हैं वो रैंडम एक्सेस पे, जैसे आपकी सीडी हो सकती है, आपकी डीवीडी हो सकती है, आपकी बीआरडी आपकी हो सकती है, एचवीडी हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, हार्ड डिस्क आपकी डिवाइस जो आती है वो भी हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क हम काम में लेते हैं वो भी आपकी हो सकती है, रैम जो आपकी प्राइमरी मेमोरी आती है उसमें भी रैंडम एक्सेस होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पिछले पटवार मेंस के एग्जाम में पूछा गया है, तो कैश मेमोरी के बारे में पूछा गया कि कैश मेमोरी होती क्या है। कैश मेमोरी इज लॉजिक, तो ये लॉजिकली किस जगह पर आपकी स्थित होती है। दे एक्चुअल में कंप्यूटर में जब भी आपके डेटा स्टोरेज की जब बात की जाए तो कंप्यूटर के अंदर एग्जैक्ट सीक्वेंस समझो कि कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी डेटा होता है वो डेटा एक भाग में होता है जिसका नाम क्या होता है, स्टोरेज, और स्टोरेज का कहानी जो आती है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। लेकिन हार्ड डिस्क से डेटा प्रोसेस होने के लिए जिस भाग में लोड होता है
उस वाले पार्ट को हम कंप्यूटर में मेमोरी के नाम से जानते हैं, और मेमोरी का मतलब जिसे क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस करने की जब हम बात करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन करने के लिए सीपीयू होता है, और इस सीपीयू में एक मेमोरी कंपोनेंट लोकेटेड होता है, और उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। अब समझो, एक्चुअल में जितने भी प्रोग्राम आपके होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपके सेव सेव जिस पार्ट में अवेलेबल होते हैं, वो पार्ट हमारा कौन सा होता है, स्टोरेज। जब भी आप कोई कमांड देते हैं तो इन सॉफ्टवेयर को जिस वाले पार्ट में सबसे पहले लोड किया जाता है, वो पार्ट कौन सा होता है, मेमोरी। मेमोरी के अंतर्गत जो भाग आपका काम में आता है, वो पार्ट कौन सा होता है, प्रोसेस होता है। आजकल जिस मेमोरी का प्रयोग किया गया, रैम, जिसे डी रैम कहते हैं, और डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम। इस डी रैम को पीरियोडिकली बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, कि रैम जो होती है बार बार आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसलिए सीपीयू को डेटा प्रोसेस करने से पहले रिफ्रेश करना पड़ता है, और फिर एग्जीक्यूशन होता है, जिसकी वजह से अगर बात करें दो काम करने की वजह से उसकी स्पीड में थोड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए आजकल क्या किया गया कि इस सीपीयू और आपके मेन मेमोरी, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक नई मेमोरी को इंक्लूड कर लिया गया, और उस वाले पार्ट को हम जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं। तो क्या होता है, जो डेटा फ्रिक्वेंटली काम में आता है उस डेटा को लोड कर दिया जाता है कैश मेमोरी। इंस्ट्रक्शन विच आर फ्रिक्वेंटली यूज बाय प्रोसेसर विल बी लोडेड इन कैश मेमोरी। जब भी सीपीयू कैलकुलेशन करता है तो यहां से सबसे पहले सीपीयू कैश में ढूंढता है, अगर अवेलेबल होता है तो यहां से इसे डायरेक्ट प्रोसेस कर देता है, नहीं तो ये इस वाले भाग पे जाकर डेटा एक्सेस करता है। तो यहाँ पे कैश मेमोरी जो होती है एक हाई स्पीड मेमोरी है, जिसका प्रयोग सीपीयू द्वारा बार बार प्रयोग में लिए जाने वाले डेटा और निर्देशों को तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी के अंतर्गत एक रैम का प्रयोग होता है, और वो रैम जो होती है जिसे हम एस रैम कहते हैं, एस रैम का प्रयोग करने की वजह से इस मेमोरी को हम वॉलेटाइल नेचर का भी कह सकते हैं। वॉलेटाइल का मतलब जिसका कंटेंट, ठीक है, पावर सप्लाई के ऑफ होने पर डिलीट हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। अगर और डिटेल में जाए तो वैसे कैश मेमोरी आजकल तीन तरह की होती है, L1 होती है, L2 होती है, और L3। इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन जो पूछा गया कि यहाँ पर किसके बीच में होती है, पहला सीपीयू रजिस्टर, तथा मेन मेमोरी, भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन में रैम ये भी हो सकता है। मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ये पूरी तरह से गलत है। रीड राइट हेड ऑफ सीरियल एक्सेस मेमोरी ये भी गलत है। ट्रैक ऑफ हार्ड डिस्क, या हार्ड डिस्क की तो बात ही नहीं हो, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज का पार्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर जो होगा ये। तो सीपीयू रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में एक मेमोरी का प्रयोग किया गया है, और उस मेमोरी को हम जिस मेमोरी के नाम से जानते हैं वो कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को हम जिस नाम से भी जानते हैं उसे प्रिंट आउट भी कह सकते हैं, या फिर एक फिजिकल डॉक्यूमेंट जो होता है जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं, कॉल्ड, यही पूछा गया। फिजिकली एड मोर परमानेंट फ्रॉम द आउटपुट देन द प्रेजेंटेड ऑन डिस्प्ले, ये भैया डिस्प्ले डिवाइस है जिसपे आप काम कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने, जैसे मैंने गलती से कोई गलत कमांड दे दी, तो क्या होता है, जो लिखा हुआ होता है वो अपने आप मिट जाता है। तो यहाँ पर जो आपके हार्ड, यहाँ पे जो सॉफ्ट कॉपी में जो स्क्रीन पे जो दिखाई आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सॉफ्ट कॉपी है, और यहाँ पे ये सॉफ्ट कॉपी पे जो भी भाग दिखाई देता है वो नॉर्मली टेम्पररी या फिर परमानेंट दोनों हो सकता है। लेकिन अभी आपके देखा होगा, जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने यहां से ये हटा दिया, तो ये टेम्पररी भी था, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी फिजिकल मैनर में हो जो हमेशा परमानेंट हो। तो यहाँ पे उस वाले पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है कि सॉफ्ट कॉपी, का मतलब यहाँ पर होता है कि डिस्प्ले डिवाइस, पर दिखाई देने वाला,
डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाला, वो तो सॉफ्ट कॉपी होता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, मॉनिटर का नाम सुना होगा, या फिर आप लोगों ने प्रोजेक्टर का नाम सुना होगा, ये सॉफ्ट कॉपी है। कार्बन कॉपी जो आपके यूज करते हैं, जैसे कार्बन पेपर लगाकर आप उसे यूज कर सकते हैं, बेसिकली आपके मल्टीपल कॉपीज को बनाने के लिए कार्बन कॉपी किया जाता है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये हार्ड कॉपी, यहाँ पे हार्ड कॉपी का मतलब किसी भी प्रिंटेड प्रिंटेड आउटपुट से होता है, और इसे प्रदान करने के लिए या तो हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं प्रिंटर, या फिर एक डिवाइस आती है जिसका नाम क्या होता है, प्लॉटर। इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन लास्ट है आपका दिया हुआ है कि आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइसेस का समूह है, आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस को हिंदी में कहा जाता है आपका निर्गम युक्तियां। निर्गम युक्तियां का मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि सूचनाओं को दर्शाने वाला एक हार्डवेयर। किसी भी सूचना को दर्शाने वाला जो एक हार्डवेयर होता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। या प्रोसेसर द्वारा प्रदान किए जाने वाली सूचनाओं को दर्शाने वाला भाग भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर। स्कैनर किसी हार्ड कॉपी को किसमें बदलता है, सॉफ्ट कॉपी। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर और मॉनिटर दोनों आउटपुट डिवाइस है लेकिन स्कैनर नहीं है। कीबोर्ड आपके एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, प्रिंटर मॉनिटर हो सकते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है। तो लास्ट जो आंसर बच गया, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो यहाँ पे ये एक बेसिक आपका व्यू था जिसके अंतर्गत कौन कौन सी कमांड आती है, किस तरह से हम इन्हें काम में लेते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखिए आजकल एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलेवेंट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत ही जल्दी हम ऑनलाइन क्लासेस का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें रेगुलर आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होने वाली है, ठीक है। वेट करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। धन्यवाद।